सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों से बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम उनकी उपेक्षा करते हो, यह क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु को पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगेर भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। श्री रामचरितमानस में भी इसी आशय का वर्णन है। वहां अंगद को धैर्य देने के बाद जामवन हनुमान जी से कहते हैं, कहै ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चूप साधि रहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता अकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गृह कर राजा। अध्यात्म रामायण में भी प्रायः इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करके अनंतर वहाँ श्री हनुमान जी कहते हैं, वानरों मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूँगा और रावण को कुल सहित मार कर श्री जनक नंदिनी को ले आऊँगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएँ हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ला रखूँ, या शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही चलाऊँ। कितना आत्मबल है। इस पर जामवंत ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर आपने वानरों से जो वचन कहे हैं उससे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण प्रभाव और तत्व को भली भांति जानते थे तथा श्री राम में आपका अविचल प्रेम था। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार है, समस्त वानरों तुम सभी लोग भगवान राम द्वार छोड़े हुए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज ही रामप्रिया जनक नंदिनी सीता के दर्शन करूंगा। निश्चय ही मैं कृत कृत हो चुका। अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय
जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है। उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रा लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ, मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांग जाऊं तो इसमें आश्चर्य ही क्या। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजाओं एवं चरणों से पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा और मुहूर्त भर कांपता रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघ के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसो राजा के पीछे सेना चलती है। इसके सिवा वहाँ श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहाँ लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलिंबहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ। आप उसे केवल स्पर्श मात्र करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास कहते हैं, जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेउ सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भाति चलेउ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा कर पुन किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा को अपनी बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं, एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल बदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महाप्रक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निसंदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्य पूर्वक उसे मारकर फिर पहले की भांति आगे बढ़े।
कैसा विचित्र बुद्धि कौशल धैर्य और साहस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।